वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है नागपुर का निशान। दोस्तों आज मैं आया हूँ नागपुर के फुटारा में और यहाँ पर दोस्तों फुटारा फाउंटेन का जो शो होने वाला है, ट्रायल शो होने वाला है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको जो मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है कुछ इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ प्रवेश द्वार जो सेकंड लिखा हुआ है यही से हमारी एंट्री होने वाली है। देख लीजिए आगे मैं आपको दिखाई देगा और हमारी पास आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि आज 9 बजे का शो है गाइस। 21 अक्टूबर है और ये है हमारी पास। और गाइस देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर जो है वरुण भी आ चुका है और हम दोनों जा रहे हैं। एक पास पे दो की एंट्री है कि नहीं, तो दो की एंट्री है तो दोनों अभी यहाँ से बस निकल रहे हैं। अभी हम लोग पीछे में देख लो सभी लोग लाइन लग रहे हैं। अभी चलो चलते हैं। अभी इतिहास का कोई किनारा नहीं होता। एक शुरुआत ढूंढो तो उसके पीछे एक और शुरुआत मिल जाती है। हर शुरुआत के पीछे कई शुरुआत होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई क्षितिज को यानी होराइजन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो कभी हाथ नहीं आता, वो आगे ही आगे चलता रहता है। फुटाला लेक के किनारे बैठकर हम अगर नागपुर का इतिहास छूने की कोशिश करें तो चलिए देखें कहां तक पहुंचते हैं। पहली बार नागपुर का नाम लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ मिलता है 940 ईस्वी में यानी 940 AD एक कॉपर प्लेट पर देवड़ी गांव में जो आज के वर्धा जिला में है। लेकिन नागपुरी नाम आया कहां से? इतिहास इसके दो सबूत बताता है। एक तो ये कि ये कस्बा या शहर जो भी था उस वक्त नाग नदी के किनारे बसा हुआ था, उसी से इसका नाम नागपुर पड़ गया। दूसरा ये कि नागा नामी कबीले के लोग यहाँ रहते थे, एक ट्राइब थी आदिवासी लोग जो नागा कहलाते थे, उनकी वजह से इसका नाम नागपुर पड़ा। रामायण में जिक्र आता है कि वंध्या और सतपुरा के बीच में घना जंगल था जो दंडकारण्य के नाम से मशहूर था और नागपुर उसमें शामिल था और ये भी विदर्भ का एक अहम कस्बा था। 250 ईस्वी मतलब AD में वाकाटक वंश के राजा विंध्या शक्ति ने विदर्भ में अपना राज स्थापित किया। उनके बाद उनके बेटे के बेटे यानी पोते रुद्रसेन द्वितीय स्वर्ण युग के चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती से शादी की।
प्रदर्शन ज्यादा दिन जिंदा ना रह सके तो उनके बेटे दिवाकर साहब गद्दी पर बैठे, लेकिन अभी कम उम्र थे इसलिए प्रभावती ने राजपक्ष संभाला और पिता के हाथ से कुछ बड़े अहदेदारों को बुलवाया, एक मिलिट्री और एक सिविल यानी फौजी और शहरी इंतजाम संभालने के लिए। जो शहरी इंतजाम संभाल रहे थे वो विश्व प्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि कालिदास थे। रामगिरी जिसे अब हम रामटेक कहते हैं वहां बैठकर मेघदूत की रचना की, ये नाम भी नागपुर से जुड़ है। इतिहास की करवट भी कभी कभी एक सदी लंबी हो जाती है और दौर बदल जाते हैं। 13वीं सदी में जब दक्षिण यादव राज के तहत था, मराठी लिटरेचर ने बहुत तरक्की की और नागपुर की आम जनता की जबान मराठी की थी। पहले मराठी कवि मुकुंदराज का जिक्र भी उसी सदी में मिलता है। हिमाद्री नाम के यादव राजा ने अपने जमाने में बहुत से मंदिर और दूसरी इमारतें बनवाई और वो हिमाड़पंथी आर्किटेक्चर से मशहूर हो गया। आदासा, अम्बोरा, भोगांव, रामटेक, नागपुर जिला में और बहुत सी जगहों पर हिमाड़पंथी मंदिर अब भी देखे जा सकते हैं। लेकिन 13वीं सदी खत्म होते होते 1318 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने यादव राजा हरपल देव को हराकर विदर्भ और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में इस्लामिक कल्चर की शुरुआत की। इस्लामिक दौर में मसूद बुलंद शाह सबसे बड़ा हुक्मरान माना गया है। नागपुर के जेल फैले हुए छोटे मोटे गांव को जीत के और वो राजकुमार परिवार से था। उसके बाद चांद सुल्तान गद्दी पर बैठा, उसने नागपुर को अपनी राजधानी बना लिया। चांद सुल्तान ने मशहूर जुमा तालाब बनवाया जो अब गांधी सागर कहलाता है। वहीं से सारे शहर को पानी सप्लाई होता था और शहर के गिर दीवारें और गेट बनवाए जिनमें जुमा गेट अब तक मौजूद है और गांधी गेट कहलाता है। जब चांद सुल्तान की मौत हुई 1749 में, तब उनकी बेवा यानी विधवा ने राजपाट का एक फैसला करने के लिए मराठा राज के सरदार रघुजी भोंसले को दावत दी और 4-5 साल के अंदर ही रघुजी ने सारा राजपाट संभाल लिया और मराठों का दौर शुरू हुआ। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में दूसरे Thank you.